दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक महिला का एक ही बेटा था। उसकी मृत्यु हो गई तो वो रोती रोती महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, महात्मा जी, आप किसी तरह मेरे बच्चे को जीवित कर दें। महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम शोक ना करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सहारना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी मांग कर ले आओ जहाँ किसी व्यक्ति की कभी मृत्यु ना हुई हो। उस महिला को थोड़ी तसल्ली हुई और दौड़कर गांव पहुंच गई। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। बहुत ढूंढा लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की कभी कोई मृत्यु नहीं हुई हो। वह निराश होकर महात्मा बुद्ध के पास आ गई और उनको सारी बात बताई। तब महात्मा बुद्ध बोले, ये संसार का चक्र है, यहाँ जो आता है उसे एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्य से सहन करना चाहिए। तब महिला को महात्मा बुद्ध की बात समझ आई और तब उस महिला ने महात्मा बुद्ध से संन्यास लिया और मोक्ष के राह पर चलने लगी।